छोड़ देगा वो गुमराह ही पड़ता है। आज हमने कुरान को छोड़ा, अपनी तालीम
कि आया मैं दुनिया में क्यों आया हूं, कितने वक्त के लिए आया, असल मसला मेरा क्या है, दुनिया का असल मसला है, दुनिया के फानी है, फना हो जाने वाले, हमारे दायरे हमारे मदारिस हमारे मकान मकाते जितने भी की किताबें हमें मेहनत कर रहे हैं, सबका मकसद ये है कि हमारे सबके अकाइद दुरुस्त हों, अकाइद दुरुस्त होंगे तो साथ में ईमान पर होगा, अगर अकाइद दुरुस्त नहीं होंगे तो साथ में ईमान पर नहीं होगा, और असल मसला ये है कि आदमी दुनिया से जाए तो साथ में ईमान पर हो जाए, सबसे अहम मसला है, अकाइद दुरुस्त न हुए तो काम ना हो, इसलिए हमारा मकसद आज बड़ा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो मेहनत और कोशिश हो रही है, बच्चों ने अपनी तकारीर और कुरान की तिलावत ये तमाम चीज़ें बयान की हैं, इसी तरीके से हमें अपने अकायद के अतबार से कुछ मेहनत करनी है, मकाते के जो मकतब के जिम्मेदार हजरात हैं जिसका इंतजाम चला रहे हैं, देख रहे हैं और इसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उसके आमद नसीब फरमाए और इदारे के अंदर मकतब के अंदर अल्लाह ताला की तरफ की अदा फरमाए और काम करने वालों के अंदर इखलास अक्सर का जिसका हमारे गुरु के अंदर हो, अल्लाह ताला सब को अपने गुरु से पता करो।